सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के गेम नंबर आईपीएल के गेम नंबर 4 के बारे में, आज के दिन के पहले गेम के बारे में जो 3:30 बजे दोपहर में होने वाला है उसके बारे में सारी बातें करेंगे। अगर हम बात करें तो आज के दिन 2 गेम हैं और हम उम्मीद करेंगे हम दोनों गेम कवर करेंगे। इधर हम A to Z बात करेंगे कि राजस्थान की टीम जो है वो किस तरह से इस गेम को विन करने के ज़्यादा चांसेस रखती हैं। अगर हम बात करें वेन्यू के बारे में, वेन्यू जो है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जयपुर का ग्राउंड है। इधर एक टाइम हुआ करता था जहाँ पे स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ करती थी, लेकिन लास्ट सीजन जो है इस ग्राउंड पे बैटर्स को अच्छी हेल्प रही है, तो बैटर्स जो है अच्छे रोल में नज़र आएंगे आपको। तो क्वालिटी बैटर्स को रखने का ट्राई करेंगे और क्वालिटी बॉलर्स को रखने का ट्राई करेंगे जो क्वालिटी वाइज स्पिन अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें A to Z सारे प्लेयर्स की, अगर हम रिकॉर्ड बात करें, सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। होम टीम है सबसे पहले जॉस बटलर, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, फील्डिंग का फील्डर बहुत अच्छे है, वैसे अच्छे प्लेयर है क्वालिटी वाइज, बैटर अच्छे हैं, हम सब जानते हैं, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लास्ट 2 सीजन में अच्छा करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपिंग दोनों यही करने वाले हैं और 100% खेलेंगे भी। इंडिया के फ्यूचर विकेट कीपर कह सकते थे एक टाइम पे, लेकिन फ़िलहाल जो है इनको उतना चांसेस नहीं मिल रहे इंडिया में, लेकिन डोमेस्टिकली अच्छा करते हैं और IPL में खास कर इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। ध्रुव जुरेल, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ याद है आपको, लास्ट के 2 गेम अगर आपको नहीं पता तो जाके आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल का बंदा है ये। विकेट कीपिंग से अच्छा रोल अदा किया था, विद द बैट जो है इंडिया को जिताने में इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा थी। के सिंह राठौड़ अच्छे रिकॉर्ड्स रख के आए हैं डोमेस्टिक में, अभी ठीक करके आ रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, अगर खेलेंगे तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन खेलने के चांसेस कम ही हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, प्रैक्टिस मैच में इन्होंने क्या ही दुए निकाले थे, आग लगा के रख देते, प्रैक्टिस गेम में बहुत अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं और डोमेस्टिकली भी, अभी डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनली भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शायद डबल सेंचुरीज मार के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म है इनका। उनके बाद सिमरन हेटमैन नंबर 4 या 5 पे खेलेंगे, लेफ्ट हैंडर है इसलिए शायद 4 पे खेला दे, अच्छे प्लेयर है क्वालिटी वाइज, ध्यान रख सकते हैं। रोमन पॉवेल ज़्यादा गेंद खेलने नहीं आता है, ये फिनिशिंग टचेस के लिए आता है, इनका काम है 9 बॉल खेलो 30 रन बनाओ, 7 बॉल खेलो 26 रन बनाओ, इनका काम वो है और वो काम बखूबी निभाता है। ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं राइट आर्म मीडियम, लेकिन खेलने के चांसेस खेलेंगे तो सही, लेकिन बॉलिंग कितनी करेंगे वो डाउटफुल, बॉलिंग शायद ना करें। कॉलर कैडमोर इनके बारे में अच्छे प्लेयर है लेकिन खेलने के चांसेस कम, ये जब खेलेंगे जब रोमन पॉवेल या फिर सिमरन हेटमैन इंजर्ड हो गए या फिर अनअवेलेबल हो गए तब। शुभम दुबे अच्छी राशि में लिया गया, 5 CR समथिंग में इनको खरीदा गया है, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, सच कहूँ तो ये डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आ रही है, ये लंबे शॉट्स लगाते हैं, वो जो है पावर हिटिंग जो एबिलिटी होती है ना वो बहुत अच्छी है। अभी वार्म अप मैच की बात करें, वुदर जो है इन्होंने अच्छा बैटा किया है, शायद 50+ का स्कोर किया था, इनका ध्यान रखिएगा, खेल इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में आ सकते हैं और इम्पैक्टफुल इनिंग जो अभिषेक पोरल ने खेली थी उस तरह की इनिंग खेल के जा सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन सामने, अगर लेफ्टी की बात करें डिकॉक है, पार्टिकल हो गए, और अगर हम बात करें तो क्या नाम है, कुणाल पांड्या, 3 लेफ्टीज हैं तो रोल मिल सकता है इनको अच्छा, 4 ओवर तो करेंगे ही, विकेट्स भी निकाल के दे सकते हैं। रियान पराग इनके बारे में क्या कही, अभी 5 विकेट्स निकाल के आ रहे हैं डोमेस्टिकली, अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग, साइड सेंचुरी भी उसी गेम में लगा के आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है डोमेस्टिक में बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन IPL में आते ही इनको क्या पता क्या हो जाता है, ये कुछ कर ही नहीं पाते ऐसा नज़र आता है, इनके रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है IPL में, लेकिन डोमेस्टिकली ऐसे प्लेयर है कि फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। एक टाइम पे रविंद्र जडेजा थे ना, रविंद्र जडेजा तो फिर भी वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन ये बैटर बहुत अच्छे हैं, हार्दिक पांड्या टाइप, ये स्पिनर है वो बात अलग है, लेकिन अच्छे बैटर है, फ्यूचर में आपको दिखेंगे, देख लेना, ये अभी आप लोग लिख के रखिए कि फ्यूचर में अच्छा करके देंगे आपको। इंडिया ए की तरफ से भी हाईएस्ट रनर थे ये और विकेट्स भी निकाल के दे रहे थे, लेकिन IPL में उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं। डेनवन फरेरा हाल ही में विकेट कीपिंग कर रहे हैं और फिर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग उतनी नहीं कर रहे, एक गेम में वो जो लास्ट सीजन में बॉलिंग करते दिखे थे, पहले ही गेम में 4 विकेट निकाल दिए थे और 50 रन की इनिंग भी खेले थे, कमाल के प्लेयर हैं वैसे ही है। ट्रेंट बोल्ट राहुल खेलेंगे तो उनके सामने आंकड़े बहुत अच्छे हैं, अगर वो ओपनिंग करते दिखेंगे तो उनके सामने आंकड़े बहुत अच्छे हैं ट्रेंट बोल्ट के, डेथ में उतने ओवर नहीं डालते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में दिखेंगे, 1 ओवर मिडल में दिख जाएगा इनका,
एक ओवर डेथ में दिखेगा, 17वां या 18वां ओवर दिख जाएगा वो डेथ में, उतना नहीं ध्यान रखेगा यूजी चहल। इस पिच पे आंकड़े बहुत अच्छे हैं इनके, उतने गेम्स नहीं खेले लेकिन अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। स्पिनिंग पिच में अगर हल्का सा भी टर्न होता है ना, इनका रोल और बढ़ जाएगा। ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इंपैक्टफुल है, इनको आप अटैक करने जाएंगे तो ये विकेट्स निकालते हैं। आवेश खान, इनको बड़े महंगे में लिया गया है लखनऊ से, और लखनऊ के सामने ही खेलेंगे तो देखने वाली बात होगी। इस पिच पे बाउंस नहीं है तो इनका काम बन सकता है, उतने बाउंस के फेवर में नहीं रहते इसलिए 10 CR समथिंग में लिया गया है, ध्यान रखिएगा। एडम जंपा अनअवेलेबल है, इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए तनुष कोटियान। अगर हम बात करें तो अच्छे बॉलर हैं, 5-6 विकेट निकाल के आ रहे हैं अभी फ़िलहाल इसमें, रणजी ट्रॉफी में अच्छा करके आ रहे हैं। संदीप शर्मा, इनकी क्या बात करें, एक टाइम हुआ करता था तब ये HRS की तरफ से खेला करते थे और हर गेम में 3-4 या 2-2 विकेट्स निकालते हर गेम में कंटिन्यूसली। लास्ट सीज़न एवरेज परफॉर्मेंस था उतना अच्छा नहीं, वो जो अब्दुल समाद के सामने वो जो लास्ट बॉल पे वो छक्का लग गया था वो एक इनका वो जो माइनस पॉइंट था। उसके अलावा अच्छे प्लेयर है वैसे क्वालिटी वाइज। नांद्र बोगर, इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है इनके अंदर, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, टेस्ट मैचेस जो हैं उसमें जो है अच्छा करके आ रहे हैं फिलहाल, डेब्यू किया है साउथ अफ्रीका के लिए और अच्छे प्लेयर हैं। डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेफ्ट आर्मर है, वेरिएशन लाते हैं और बॉलिंग को अच्छी करते हैं, बॉलिंग जो है वो लाइन ऑफ लेंथ इनकी बहुत अच्छी है, ध्यान रख सकते हैं। नवदीप सैनी, एक इनका वो प्राइम टाइम आया था वो जो वेस्ट इंडीज़ के सामने इनको डेब्यू कराया था, उसके बाद इंजरी कंसर्न चले, उसके बाद IPL में भी उतना चांस नहीं, खेलने के चांसेस अभी भी कम लेकिन अच्छे प्लेयर है क्वालिटी वाइज, जब भी खेलेंगे। यॉर्कर्स बहुत अच्छी है इनकी। कुलदीप सेन, वार्म अप गेम 3 ओवर 19 रन 1 विकेट, यानी देख सकते हैं वार्म अप गेम में भी सिर्फ 19 रन दिए तो समझ सकते हैं इनके पास वो काबिलियत है, जब भी खेलेंगे नज़र रखने वाले प्लेयर हैं, क्वालिटी अच्छी है, डेथ में अच्छे ओवर्स रख सकते हैं। मुश्ताक अच्छे प्लेयर है लेकिन उतने अच्छे चांसेस नहीं है अभी तक, खेलेंगे तो सोच सकते हैं लेकिन खेलने के चांसेस भी नहीं है फिलहाल। लोकेश राहुल, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो है अभी मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में जो है वो इनको खेलना है और वर्ल्ड कप में जो है यशस्वी गिल और रोहित के अलावा कोई और ओपनिंग में दिखेगा नहीं तो इनको ओपनिंग में स्लॉट नहीं मिलेगा, तो ये शायद मिडिल ऑर्डर में खेलते दिखे, इसीलिए ये IPL में भी इन्होंने कहा है कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेल सकता हूँ, फिक्स नहीं है लेकिन खेल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वो लाइनअप के टाइम आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। निकलस पूरन है, विकेट कीपिंग करते दिखेगी आपको, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर अच्छे हीटर हैं लेकिन इस पिच पे कैसा करते हैं, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन जैसे क्वालिटी स्पिनर के सामने कैसा करते हैं देखना होगा। क्विंटन डिकॉक, इंडिया में आंकड़े ज़बरदस्त है इनके, नज़र रखिएगा इन पे, इंडिया में बहुत अच्छा करते आए अभी तक, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, विकेट कीपिंग तो नहीं करेंगे लेकिन विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, इन करेगा नहीं पूरन करेंगे वो तो, अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लास्ट सीजन भी अच्छा करके दिखाया था। काइल मेयर्स, खेलने के चांसेस थोड़े कम लेकिन खेलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खेलेंगे कहाँ, अगर खेलेंगे तो देखना होगा। पावर प्ले में भी 2-3 ओवर डाल के दे सकते हैं ये, खेलेंगे तो पहला ओवर तो यही डालेंगे, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। देवदत्त पाडिकल, अगर राहुल ओपनिंग नहीं करते हैं तो ओपनिंग पे इनको चांस मिलेगा, हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, एक टाइम इनका भी आया था जब RCB की तरफ से ये सेंचुरिया लगा रहे थे विराट कोहली के साथ मिलकर, याद हो तो। दीपक हुड्डा, इनका भी एक वो प्राइम टाइम आया था, हालिया फॉर्म बहुत ख़राब लास्ट 2 सीज़न से लेकिन उसके अलावा उससे पहले जो है इन्होंने सेंचुरियों पर सेंचुरियाँ लगाई थी, याद हो तो, आयरलैंड के सामने। एस्टन टनन, हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं लेकिन प्लेयर ठीक है, हल्की सी ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं, इंडिया में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वैसे इंडिया में ज़्यादा गेम नहीं खेले लेकिन इंडिया में रिकॉर्ड्स अच्छे। आयुष बदोनी, लखनऊ की बात करें, जब भी लखनऊ कॉलेप्स होती थी तब ये अपनी टीम को हर बार बचाते थे, एक गेम भी शायद जहाँ तक मेरे को याद है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इन्होंने जिताया था, वो क्रिस जॉर्डन के लास्ट ओवर में शायद, अगर बात करें। फिर कुणाल पांड्या है, लेफ्ट आर्मर ऑर्थोडॉक्स अच्छे स्पिनर हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, कई बार इन्होंने भी बचाया है लखनऊ को कॉलेप्स, जब टॉप ऑर्डर कॉलेप्स होता है तो ये हो गए और आयुष बेदोनी हो गए, ये लोग बहुत बचाते हैं और स्पिनर अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, बैटर भी अच्छे हैं, नज़र रख के चल सकते हैं। कई बार इनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया जाता है, 4 पे आ जाते हैं लेकिन अभी लेफ्टी है तो ज़रूरत नहीं। मार्कस स्टोइनिस अच्छे रिकॉर्ड्स लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ये विकेट्स निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बाउंस होता है लेकिन इधर उतना बाउंस नहीं होगा, देखना होगा कैसी बॉलिंग करते हैं लेकिन अच्छे प्लेयर है, ध्यान रख के चल सकते हैं। डेविड विली अनवेल
अवेलेबल है। फिर कृष्णप्पा गौतम है सामने, लेफ्टी, सिर्फ दो ही लेफ्टी हैं तो उतना रोल नहीं खेलेंगे, तो ठीक अच्छे प्लेयर है, कभी भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं, लेकिन सामने जब भी ज़्यादा लेफ्टी हो गए तब हम लोग इन पर नज़र रखेंगे। प्रियांक मानखड़, इनके बारे में क्या ही कहें, शायद जहाँ तक मेरे को याद है लास्ट ईयर लास्ट सीजन का पहला गेम था, वहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में आए थे और 30+ का स्कोर करके गए थे, अच्छे प्लेयर है। अगर बात करें अश्लिन कुलखन्नी का, इनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अंडर 19 के प्लेयर हैं, अच्छा करके आ रहे हैं, खास ये बात नहीं अंडर 19 के प्लेयर है, मेनली ये बात है अच्छा रिकॉर्ड्स हैं इनके, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते ओपनिंग करते नज़र आए थे। अगर बात करें नेक्स्ट तो रवि बिश्नोई जयपुर यानी राजस्थान के ही प्लेयर हैं, इस इन पिचेस का अच्छा एक्सपीरियंस है तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर भी लगते हैं, जब भी ये आता है तो ऐसा लगता है विकेट गिरेगे ही गिरेगे, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे प्लेयर हैं, ध्यान रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नवीन उलहक, डेथ में आता है, डेथ का रोल मिलता है इनको, हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुमराह की तरह एक्शन है, थोड़ी सी वेरिएशंस ठीक है इनके पास, तो विकेट निकाल के दे सकते हैं, खासकर डेथ में आएंगे तो रोल हो सकता है। शमास जोसेफ एक वो थे जो ऋषभ पंत थे जिन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था, और एक उसके बाद आते हैं शमार जोसेफ जो गाबा का घमंड तोड़ते हैं, वह पहले वो मिचेल स्टार्क की अच्छी तेज तरह गेंद पैरों पे लगती है, चोट लगती है, कंधे पे जाते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं, 7 विकेट निकालते हैं टोटल और अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। वो जो लास्ट विकेट था हेजलवुड का, कमाल की गेंद थी, वो जो कैमरॉन ग्रीन को आउट किया था, वो जो लाउशेन को आउट किया था, बहुत अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी। मे बी एक अल्जारी जोसेफ थे जो स्टार्ट में आके अच्छा किए थे, और एक समार जोसेफ है जो मेरे को लगता है फ्यूचर में अच्छा करके दिए गए। शिवम अभी यशस्वी के सामने अच्छे रिकॉर्ड्स, नज़र रख सकते हैं इनके बारे में, एक ही बार आउट किया यशस्वी को, लेकिन वो जो जितने कम गेंदों में आउट किया वो नज़र रखिएगा, अच्छे प्लेयर है। स्विंग में एक टाइम का इनका भी वो जो प्राइम आया था वो अंडर 19 के बाद, इनको इंटरनेशनल में भी डेब्यू मिल चुका है। एक थे कमलेश नागरकोटे और एक थे शिवम मावी, इनको फ्यूचर बुमराह और भूवी बोला जाता था, लेकिन अभी कमलेश नागरकोटे तो गायब हो चुके हैं, क्या पता कहाँ पे हैं, फिलहाल आईपीएल में भी नहीं नज़र आ रहे, लेकिन शिवम मावी को कंटिन्यूसली चांस मिला है, एक हैवी प्राइज में लाया गया है, तो ध्यान रखेगा। अमित मिश्रा एक्सपीरियंस लेग स्पिनर, अच्छे बॉलर हैं, खेलते हैं या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि कुणाल पांड्या भी हैं और रवि बिश्नोई भी, अगर खेलेंगे तो ध्यान रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर, एक्सपीरियंस के साथ खेलते हैं ये। मोहसिन खान, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, लेते हैं तब 3 से 4 विकेट एक साथ लेते हैं, वरना लेते ही नहीं, इनका काम ही वो है कि आइए बड़े विकेट्स निकालिए। यश ठाकुर जहाँ पे वो जो अजिंक्य रहा ने मुशीर खान ने सेंचुरी मारी थी फाइनल में मुंबई वर्सेज विदर्भा में, वहाँ पे ही इन्होंने कुछ 5 से 6 विकेट्स निकाले थे फाइनल में, ध्यान रखिएगा इन पे, ये अच्छे प्लेयर हैं, और लास्ट सीजन में 9 गेम में 13 विकेट्स निकाल के आ रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी। अरशद खान लास्ट सीजन मुंबई की तरफ से खेले थे, जितने भी गेम खेले थे अच्छा रिकॉर्ड्स हैं इनके, अच्छा किया था क्वालिटी वाइज, लेकिन उसके बाद उतना अच्छा नहीं, हाँ कंटिन्यू वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं कर पाए थे, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देना वो नहीं कर पाए थे। युद्धवीर सिंह सड़क ठीक ठाक रिकॉर्ड है, हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। मणिमरम सिद्धार्थ बहुत अच्छा फॉर्म के साथ आ रहे हैं, तमिलनाडु के हैं, बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, और मयंक यादव डोमेस्टिकली अच्छे रिकॉर्ड्स, और नज़र रख सकते हैं इन पर। अगर हम हमारी टीम के बारे में बात करें तो फिलहाल जो है हमारी ये टीम है, एसएल मैन मना ही करूँगा कि आप एसएल ना के लिए, फाइनल टीम के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम पे आ जाए, फाइनल टीम अगर मैं बोलता हूँ स्किप तो सिर्फ जीएल खेलना है। मेरे हिसाब से इन गेम्स में आईपीएल में स्टार्टिंग के गेम्स में खासकर थोड़ा जीएल ही खेले तो बेहतर है, क्योंकि पिच को समझने में टाइम लगता है और जानने में टाइम लगता है कि किसको क्या रोल मिल रहा है। फिलहाल जो है हमारे कप्तान हैं जॉस बटलर, उप कप्तान हैं संजू सैमसन, क्विंटन डिकॉक और राहुल को रखा है, यशस्वी को रखा है, अश्विन और स्टॉइनिस को रखा है, युजवेंद्र और ट्रेंट बोल्ट और मोहसिन और रवि बिश्नोई को रखा है। अगर आरआर की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो हम मोहसिन खान की जगह पे क्या नाम है संदीप शर्मा को रख लेंगे, और अगर राहुल ओपनिंग करेंगे तो शायद हम राहुल या डिकॉक में से किसी एक पे रिस्क लेंगे बोल्ट की वजह से, और इधर से दीपक हुड्डा को रखेंगे या फिर कुणाल पांड्या को भी। सीबीसी में यशस्वी का एक अच्छा चॉइस है, अगर छेज करेंगे तो यशस्वी फर्स्ट बैट में, हम संजू के साथ रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली हम लोग अच्छा करेंगे।